सो हेलो गाइस, ये वीडियो में एक्सपल्स के दो मॉडिफिकेशन होंगे। सिंपल, एक मडगार्ड रेस और टेल टाइडी। सो ये जो मडगार्ड है, ये नॉर्मल पोजीशन पे इसको थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग, थोड़ा डर्ट बाइक लुक देने के लिए। कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। तो मैं चला गया गैरेज में, और ये बैक साइड का जो पूरा पूरा टेल टाइडी है, हम सोच रहे थे कि क्या करें। तो बहुत सारे लोग ब्रैकेट लगाते हैं, पर मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल के लिए पूरा असेंबली निकाल देते हैं। तो बैक साइड से जो है असेंबली हम लोग निकालेंगे, और इंडिकेटर्स को मेन फिक्स करना था। तो उसके लिए भी हम लोग को सोचना था कि कैसे इंडिकेटर शिफ्ट करें, क्योंकि ब्रैकेट था नहीं। तो पहले हम लोग ने शुरुआत की ब्रैकेट निकालने के। तो बैक साइड की असेंबली हेडलाइट की, टेल लाइट की, वो हम लोग ने निकालना शुरू कर दिया स्क्रू से। सारा रिमूव करने के बाद हम लोग देख रहे थे। सो ये अपर पहले असेंबली निकाली हमने, अपसाइड की असेंबली निकालने के बाद कुछ ऐसी दिखती है, और ये नीचे की भी फिर हम लोग ने पूरी निकाल दी, जो इंडिकेटर्स और नंबर प्लेट के साथ है। फिर उसके बाद जो हेडलाइट की असेंबली है, बेसिकली हम लोग ने निकाल दी। तो हम लोग को लुक आया कि भाई इतना लुक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इंडिकेटर्स चिपकाने के लिए। तो इंडिकेटर चिपकाने के लिए हम लोग ने ये आइडिया सोचा कि यहाँ पर जो है ये होल कर दिया जाए, और इसमें बेसिकली दो होल, एक बड़ा और एक छोटा। वो क्यों किया है बड़ा और छोटा होल, मैं अभी बताता। तो मैंने बहुत सारे एक्सपल्स में देखा था कि जो इंडिकेटर्स है और नंबर प्लेट है, वो ये जो हेड टेल लाइट के नीचे का जो ब्रैकेट है, स्कूप बड़ा ब्लैक कलर का, उसके नीचे लगाते हैं, बट वो बेसिकली इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि इंडिकेटर्स चलो इस पर ही फिक्स करते हैं। तो उसमें दो होल का रीज़न ये था, देखो एक बड़ा होल है और उसके पीछे साइड पर आपको एक छोटा होल दिख रहा है। वो किस लिए? क्योंकि जो एक्सपल्स के इंडिकेटर्स है उसमें दो गैप्स है, एक बड़ा वाला है जिसमें ये वायर जाता है, और आप जो मेरा अभी थंब देख रहे हो उसमें एक देखो छोटा एक एक लूप होल ऊपर आया हुआ दिख रहा है, तो वो सपोर्ट के लिए उसके इंडिकेटर्स के। तो सारे एक्सपल्स यूज़र के लिए ये मॉडिफिकेशन बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें कुछ एडिशनल ब्रैकेट वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको खड्डा करना है, और वो खड्डा कैसे करना है? पहले तो एक बड़ा खड्डा करना है जहाँ पर वायर है, जैसे अभी ये डाल दिया है। छोटा खड्डा फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर पोजीशन पे लाना है, और जो अभी यहाँ पर देखो छोटा खड्डा यहाँ पर है, तो उसको हम लोग ने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद पूरी तरह से मार्क कर लिया, आप देख सकते हो ऐसे, और उसके बाद वही खड्डे पे आपको छोटा खड्डा कर देना है। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि आपका जो इंडिकेटर है वो पूरा टोटली स्टेबल हो जाएगा। बस वाइजर लगा के आपको टाइट करना है, और कुछ भी ब्रैकेट वगैरह एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द टेल टाइडी विद द इंडिकेटर्स स्टॉक ऑफ एक्सपल्स। आपको एडिशनल इंडिकेटर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। सो टेल टाइडी करने के बाद, ब्रैकेट निकालने के बाद, इशू ये था कि हम लोग नंबर प्लेट कैसे लगाए। तो मैंने सोचा फॉर टेम्पररी रीज़न ब्रैकेट का हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल पीछे नंबर प्लेट चाहिए। तो हम लोग ने स्टिकरिंग किया। स्टिकरिंग में भी मैंने उनको, भाई स्टिकर वाला भाई साहब इंजीनियरिंग था बड़ा, मैंने लेफ्ट और राइट में पूरा उसको बोला था, बट उसने कट कर दिया। अभी देखो पूरा एक पतला स्ट्रिप लग रहा है, पर मैंने उसको पूरा कवर करने बोला था, जो राइट और लेफ्ट साइड का ब्लैक दिख रहा है। बट एनी वेज लुक अच्छा लग रहा था इसके, मैंने लेट गो कर दिया, और फिलहाल के लिए हम लोग ने ये किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है टेल टाइडी। कमेंट डाउन इन द सेक्शन हाउ यू लाइक दी टेल टाइडी विद द इंडिकेटर्स इंस्टॉल्ड। अब करते हैं बात मडगार्ड रेस की। सो अब आते हैं हम लोग मडगार्ड रेस करने के लिए। जो हाइट उसकी है वो हम लोग थोड़ी अप करेंगे। तो इसमें क्या किया कि जो बैक साइड है हम लोग ने वाइजर डाले। एक्सपल्स में आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे, तीन तीन वाइजर डाले मैंने एक साइड पे और दूसरे साइड पे तीन। एक्सपल्स पे देखो तो चार स्क्रू है मडगार्ड के। तो पीछे के जो दो नट दिख रहे हैं उसके ऊपर साइड पे हम लोग ने वाइजर्स डाले रेस करने के लिए। इनिशियली दो दो वाइजर डाले, बट इतना उठा हुआ नहीं लग रहा था, बट बाद में तीन डाला तो ऑलरेडी थोड़ा जो है हाइट रेस दिख रहा था। तो यही एक सिंपल मॉडिफिकेशन है मडगार्ड रेस करने के। सो बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है, तीन तीन वाइजर एक साइड पे, एक लेफ्ट में एक राइट पे, बट ये बैक साइड के दो है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉडिफिकेशन ऑन द मडगार्ड रेस, और काफ़ी लुक अपार्ट लगता है बाकी एक्सपल्स से। और ये कुछ ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस वाइजर खरीदने हैं आपको छोटे, और ये जो आगे का फ्लैप है वो काफ़ी ऊपर दिखता है। सो ये फाइनल लुक है मडगार्ड का, आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर लग रहा है। सो हेयर इज हाउ द फाइनल लुक इज आफ्टर द मडगार्ड रेज एंड द टेल टाइडी डन। तो दिन में कुछ ऐसा लगता है, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है बैक टेल टाइडी की वजह से, एंड इट लुक्स क्वाइट गुड विथ द मडगार्ड रेज। ज़्यादा रेज नहीं किया है, बट थोड़ा किया, बट इट लुक्स गुड। इन फ्यूचर वील ट्राई टू रेज इट अप अ लिटल बिट मोर।
बैक साइड से कुछ ऐसी दिखती है। टायर भी अभी काफ़ी दिख रहा है बाहर एंड इट लुक्स गुड। इट गिव्स यू मच मोर ऑफ स्पोर्टी और यू नो इट लुक्स गुड स्पोर्टी। एंड इट जो इंडिकेटर स्टॉक एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपल्स में मैंने देखा था कि छोटे छोटे इंडिकेटर्स लगाते विच डजेंट लुक गुड बिकॉज ब्रैकेट पीछे का बहुत ही बड़ा है एक्सपल्स का एंड एग्जॉस्ट भी बड़ा है। सो दिस इंडिकेटर्स आर द वर्क्स बेस्ट एंड लुक्स बेस्ट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट लुक्स मच मोर क्लीनर नाउ। एंड जो मडगार्ड रेस किया है इट रियली लुक्स इट डजेंट हैव मच डिफरेंस बट इट गेट्स योर लुक अपार्ट फ्रॉम अदर देन दी अदर एक्सपल्स। बाकी एक्सपल्स से डेफिनेटली इसकी मडगार्ड जो है और ज़्यादा स्पोर्टियर और रेस दिखती है। ऐसे लगता है सस्पेंशन और थोड़ा 1-2 इंच बढ़ाया गया है इस मडगार्ड रेस की वजह से। सो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Hope you guys like it. Comment down in the section how you like it. And any ideas other than ideas which I can input in my Xpulse. So that's all for this video. See you on to the next video. Jai Hind. Life goes on.